नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके के मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो है इस ट्रांसफार्मर को खोलते हैं और इसकी रिपेयरिंग करेंगे। देखते हैं दोस्तों इसमें जो है कहां से कमी है, तार जल गया है अथवा कहीं से टूट गया है। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए पीछे से जब करेंगे तो यहाँ पर जो पिन लगे हुए थे जो कि मोड़ कर इसको बिठा दिया जाता है, तो इन चारों को हम जो है इस प्रकार से खोल देंगे और इसको जो है निकाल कर साइड में रख देंगे और उसके बाद इसको भी इस प्रकार से खींच कर बाहर निकाल लेंगे, फिर ऊपर से जो है खींच लेंगे, इजीली निकल जाता है। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो है इस प्रकार से दिखाई देता है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जब हम ध्यान से देखेंगे इसको तो यहाँ पर कई सारे जो है एक ही तरीके से जो है इसको जो है एक आई के शेप में रहता है और एक जो है ई के शेप में रहता है, अंग्रेजी अक्षर के आई और ई के शेप में रहता है। तो यह दोस्तों आई वाला है, तो देखिएगा एक तरफ जो है कई सारे जो है लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कई सारे लगे हुए हैं, हमको मिल चुका है। तो यहीं से जो है हमारा ट्रांसफार्मर यह खुलेगा। तो दोस्तों हम हथौड़ी के और छैनी के सहायता से जो है जो भी हो की सहायता से खोल सकते हैं दोस्तों। तो कैसे मारेंगे और जो है बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह निकलना चालू हो गया है और हमने इसको फाइनली निकाल लिया। अब दोस्तों इसको निकालने के बाद जो है इसी के सिधाई पे जो हमारा आई शेप वाला है इसमें से जब हम इसको मारेंगे तो दोस्तों यह भी पीछे की तरफ से निकलने लगेगा। अभी हथौड़ी की सहायता से इसको भी मारेंगे और यह पीछे की तरफ जो है निकलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों यह निकलने लगा है, कैसे इसको ठोक कर जो है बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को जो है टाइट नहीं भरा गया है, यह बहुत ही लूज है जिसके कारण जो है इतनी सरलता से यह निकल जा रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों भैया निकल गया और इसको भी निकाल लेंगे, ये जो है निकल गया। अब दोस्तों देखिए यह आई के शेप में है ना, लंबा लंबा, और यह ई के शेप में है। देखिए इस तरफ से करेंगे तो थ्री बन जाएगा। तो दोस्तों अब जो है हम सबको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों यह निकल चुका है। अब इसके ऊपर एक परत का जो है ब्लैक पेपर लगा देते हैं, इसको भी निकालेंगे, टेप छुड़ा देंगे। टेप छुड़ाने के बाद यह निकलने लगेगा। कहाँ गया रे बाबू, इसका ज्वाइंट यहाँ पर लग रहा है मुझे, यहाँ पर है, इस तरफ से खोलने पर पता चलेगा। ये एक पन्नी और है, टेप के सहायता से जो है इसको चिपका रखा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है एल्युमिनियम का
वायर इसमें इन लोगों ने डाल रखा है। देखिए दोस्तों, यह है एल्युमिनियम है, इसमें जो है दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी चल रही है। अभी आप लोगों को मल्टीमीटर की सहायता से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर हमने लाया और इसको कंटिन्यूटी रेंज पर जो है सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और उसके बाद जो है इन दोनों वायर को प्रोब के दोनों सिरे पर जब टच करेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा बीप कर रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ सही है। कमी हमारी इसमें है जो है, जो हमारा प्राइमरी कॉइल है, दिक्कत इसमें प्राइमरी में है, सेकेंडरी हमारा बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने खोला है अभी इसको। और इसमें देखते हैं कहाँ से टूटा है। अब इनको हम जो है इस वायर को पूरा निकाल लेंगे। एल्युमिनियम कॉइल है, तो दोस्तों फाइनली हमने जो है इसको वाइंडिंग फिर से कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हम जो है आप लोगों को कंटिन्यूटी दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पर मल्टीमीटर में इस प्रकार वायर पकड़ने पर 4 से 20 ओम दिखा रहा है, और सेकेंडरी जो हमारा है, सेकेंडरी में भी 3 ओम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम जो है इस पे इनको भी चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से दो दो पीस करके हाँ इसमें डाल देते हैं। इसी प्रकार से दो पीस इस प्रकार इस तरफ से और दो पीस इस तरफ से, इसी प्रकार से जो है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इन सारों सभी को इसमें डाल रखा है। अब 4 पीस हमने जो है बगल कर दिया था, अब इन चारों को जो है बीच में इस जगह डाल देंगे, जिससे क्या है कि खोलने के लिए बाद में सरलता हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमने एक जगह और इस प्रकार डाल देंगे इस तरफ, और उस तरफ भी बराबर से इसको दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे। फिर आदमी कहाँ, और बराबर करने के बाद फिर हथौड़ी की सहायता से इनको अंदर ठोक देंगे और ये लोग चले जाएंगे अंदर। अब इन पत्तियों को भी दो दो पत्ती करके प्रकार से डाल देंगे। बढ़िया लगाना,
माफ करो तारा मलकिन आज सिखा दी कौन मलकिन अच्छा यहाँ करा लो तुम्हें बताओ तो कौ मलिका प्रधान जी वही कह रहा ना तो ये दोस्तों इस तरफ हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर छह पीस एक ही बार डाले गए थे, इस कारण से इसके सिधाई पर आई पत्ती हमने सिक्स पीस इस तरफ से डाल दिया है। अब फिर दो दो पीस इस तरफ से भी डाल देते हैं। देखिएगा इसी प्रकार से तो दोस्तों इस प्रकार से जो है चारों तरफ से इसको ठोक कर बराबर कर लेंगे। हमारा ट्रांसफार्मर रेडी है, ट्रांसफार्मर जो है रेडी है। अब दोस्तों इनको भी लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसको जो है फिट कर देना। इसको भी यहीं पर जो है हम इसको कर देते हैं, दबा देते हैं ऐसे और इस प्रकार से यहाँ पर ठोक देते हैं अच्छी तरीके से। ट्रांसफार्मर रेडी है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो हमारा रेडी हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।